नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज योर आरएसबी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टबर्निंग। तो क्या हाल है? तो आज मैं करूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। एक्चुअली में लोगों ने कहा था कि भाई जब राइड पे निकलता है क्या क्या तैयारियां करके निकलता है। मैं छोटी राइड पे निकलूं, बड़ी राइड पे निकलूं, ऑलमोस्ट सेम तैयारियां होती हैं। लॉन्ग राइड के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेह लद्दाख जाना वो अलग हो जाती है। मैं बेसिक से राइड पे जाता हूं, जैसे अभी तक मैं गया हूं 200-300 किलोमीटर तक। तो इन राइड के लिए मैं तैयारी क्या क्या करके निकलता हूं वो सब आपको दिखाता हूं। मिलते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हेलमेट। इसके बिना तो कभी निकलना ही मत भाई, कहीं मत निकलना। देखा, ये गिरने वाला था, टूटेगा नहीं ये, लेकिन आप जरूर टूट जाओगे। तो सबसे पहले तो मेन तो है सबसे पहले हेलमेट। तो अगर आप मोटो ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए साथ में चाहिए आपको एक्शन कैम। तो ये रहा भाई, सब चीज़ें गिर रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मेरा एक्शन कैम है, अकाशो का V50 Lite, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, वीडियो बना रखी है स्पेशली मैंने, इसे जाके चेक करना। मोटो ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो भाई ये लगाना जरूरी है, पता है ना, वीडियो नहीं तो आपके ऑडियंस देखेगी क्या। तो ये हो गया कैमरा, हेलमेट तैयार। फिर दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये भाई क्या होता है, अलग अलग डेस्टिनेशन में जाते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, तो उसके लिए ना भाई स्टाइलिश लगना ज़रूरी है। एक्चुअली स्टाइल नहीं, बात ये है, कभी कभी क्या होता है रात या फिर थोड़ा मौसम डल हो जाता है। मेरा भाई जैसे ब्लैक है, इसको खोलना पड़ता है, खोलेंगे फिर आँख में मच्छर कुछ जाएंगे, तो उसके लिए ये लगाना ज़रूरी होता है, पर स्टाइल तो है भाई। तीसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक जैकेट, राइडर्स जैकेट इंपॉर्टेंट है। आप तब तक मेरा ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको मेरी राइडर्स जैकेट। सो सबकी अलग अलग होती है, मेरी ये सेमी आर्मर्ड है, थोड़ा बहुत इसमें आर्मर है कोहनियों पे, थोड़ा सा बैक पे है, बाकी दूसरी आर्मर जैकेट आती है, अगर वो पहननी है वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बजट में बता रहा हूँ, ये बजट में आ जाती, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसके कोहनियों में थोड़ा आर्मर है और बैक में थोड़ा आर्मर है, तो हल्की चोट कम लगेगी, और हो सके तो ना भाई हमेशा अपनी राइडर्स गियर ले लो, लेकिन वो होते हैं थोड़े से महंगे, तो मैं बजट में बता रहा हूँ। बजट में ऐसा, क्योंकि इस पर एल्बो में कम चोट लगेगी, गिरोगे अगर, जैसे दुआ करते हैं ना गिरे, लेकिन अगर गिरे तो कम छिलोगे, थोड़ा चोट वोट कम लगेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फुल ड्रेस, अपने फुल कपड़े पूरे ऊपर से नीचे तक फुल ड्रेस पहन के चलोगे तो अच्छा रहेगा, कुछ मच्छर नहीं काटेंगे। कभी कभी क्या आती है, छोटी छोटी मधुमक्खी हो गई, अलग अलग होते हैं ना काटने वाले इंसेक्ट, काट लेते हैं घुस के, तो उनसे बचने के लिए होता है इंपॉर्टेंट। तो जैकेट है, जैसे एक ही जैकेट होगी। फिर आते हैं शूज़ की बात, ये मैंने पहन रखे हैं फॉर्मल, मतलब ये इनफॉर्मल टाइप में, एकदम स्पोर्ट्स टाइप में है। तो फिर होते हैं शूज़, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे राइडिंग शूज़। तो ये मेरे ग्लव्स हैं, आर्मर्ड ग्लव्स हैं, आप देख लोगे तो। तो इससे क्या होता है, नक्कल्स आपके सेफ रहते हैं, फिंगर सेफ रहती हैं। अभी ठंड है तो इसकी इनर्स आती हैं, मेरी इनर्स इसके अंदर डली हुई हैं, हाथ इससे क्या होता है सेफ रहते हैं बिल्कुल, ठंड में ठंडे नहीं होते, क्योंकि क्या होता है ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ठंडे होने लगते हैं। अब मेरे हाथ हो गए बिल्कुल सेफ, हेलमेट से मेरा सिर सेफ, जैकेट से मेरा ये वाला पोर्शन सेफ। तो हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी में, तो हेलमेट सिर को सेफ रखेगा आपके, कहीं भी गिरोगे कोई भी किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होगा तो सेफ रहेगा। फिर बारी आती है हमारे जैकेट की, जैकेट से आपके कोहनियाँ, चेस्ट वेस्ट वगैरह, बैक वगैरह सब सेफ रहेंगे, क्योंकि इसमें है हल्का हल्का आर्मर्ड। और भी जैकेट्स आती हैं, मैं उनके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आर्मर्ड है जो अच्छी अच्छी कंपनीज की हैं वो लोगे तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट प्रॉपर पहन के चलोगे तो छिलना विलना कम होगा थोड़ा सा। फिर बारी आती है ग्लव्स की, तो ग्लव्स में क्या होता है नक्कल्स, कभी कभी क्या होता है ना क्लोज रेंज में चला रहे होते हैं जब ट्रैफिक में, तो क्या होता है कई बार हाथ टकरा जाता है दूसरे हैंडल से, और गिरने पे तो खैर सेफ रखेंगे लेकिन दूसरे में भी छोटी उंगली में मैक्सिमम चोट लगती है, मैंने देखा है, क्योंकि छोटी उंगली हमेशा बाहर की तरफ रहती है, हैंडल हम पकड़ते हैं, कोई सामने से आया क्लोज जैसे तो टच करते हैं उंगलियाँ टूट जाती हैं, तो उस टाइम ये हाथ को सेफ रखेंगे। इनर इसके अंदर है तो ठंड नहीं लगेगी। अब बात करते हैं पैंट्स की, तो इस पैंट में यहाँ पे कुशनिंग्स है थोड़ी थोड़ी, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लॉन्ग जब चलते हैं ना तो सेफ, मतलब ओके ओके फील करते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि नॉर्मल अगर टाइट अगर पैंट्स पहन के चलोगे तो आपका पैर में दर्द रहेगा, ग्रिप रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं बनेगा, तो उसके लिए। अब बात करते हैं हम शूज़ की, शूज़ से क्या होता है कि मैं बता रहा था ना ऐसे एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं, तो लास्ट चीज़ है शूज़, तो शूज़ के बिना कभी ना निकलें। और अब बात करते हैं हम बाइक में, लॉन्ग राइड पे जाते हैं हम, कभी लंबा चलाना पड़ जाए तो दिखाना चाहूँगा पास आके, रास्ता कई बार हमें पता नहीं होता है, तो मेरा GPS माउंट है ये रहा, मैं इसमें GPS लगाता हूँ, शेविक का एक्स ग्रिप है ये, तो ये मैंने लगा रखा है ताकि मैं अपने मोबाइल माउंट कर सकूँ इसमें, आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ एक बार, मेरा ये रहा मोबाइल, कुछ नहीं है सिंपल सा ऐसे रखता हूँ और ओके। तो इसमें हमारा अपना कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन को भी जल्दी रिसीव कर पाएंगे अपने ब्लूटूथ से, और इसके साथ में अच्छी चीज़ ये है क्योंकि यहाँ पे एक चार्जर है, तो साथ ही साथ हम अपना फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं इससे, यहाँ पर लगाएंगे अपना डाटा केबल से एरिया, यहाँ तक दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकेंड खोल के, ये देखिए, तो यहाँ पर मेरी डाटा केबल लग जाती है, सबसे अच्छा है, तो मेरा फ़ोन भी चार्ज रहेगा, मेरा GPS में मेरा मैप भी मैं रीड करता रहूँगा, अच्छे से जाता रहूँगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब मैं दिखाता हूँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, हम बैग लेके चलते हैं क्योंकि अपने गैजेट्स वगैरह बहुत हो जाते हैं, यूट्यूबर के लिए तो हो ही जाते हैं, और वैसे भी कपड़े वपड़े लेके चलते हैं,
तो उसके लिए मैंने एक बैग खरीदा है, उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी बैग दिखाता मैं कैसे। और सबसे लास्ट में आता है कि आप बैग, आप बैग कैसे लेके जाओगे? कंधे पे लेके जाते हैं तो क्या रहता है कि कंधा हमेशा दबा दबा रहता है, ऐसा लगता रहता है वेट ज़्यादा है, बैग थोड़ा कम भी होता है उसका साइज़। तो मैं दिखाता हूँ वाला मेरा बैग, ये बाइक बैग है मेरा, टैंक बैग है, और इसकी इतनी स्पेस है क्योंकि इसमें डबल ग्रिप है, डबल चेन है, तो ये इतना चौड़ा हो जाता है, मुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये इसका तो बंजी कॉर्ड्स मिली हुई है, एक यहाँ लगानी है इधर लिया, और एक इस तरफ लगानी है, बहुत आसानी से माउंट हो जाता है बैग। और ये देखिए लग गया है, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, मेरे कैमरेज होते हैं, मेरे चार्जर होते हैं, और जो भी कुछ होगा बेसिक चीज़ें, कपड़े हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक रेनकोट हमेशा लेके चलता हूँ अपने साथ में। रेनकोट का फ़ायदा ये है यार, किसी भी मौसम में कभी कभी क्या होती है, ठंड लगने लग जाती है, मान लीजिए जगह में ठंड लगने लगी, बाई चांस है लगती नहीं है, लेकिन लगने लगे तो मैं रेनकोट पहन के ठंड से बच सकता हूँ। और रेनकोट का मेन पर्पज़ तो सबको पता ही है, बारिश से बताता है, अलग अलग जगह होती है बारिश ज़्यादा हो जाती है, पैंट ख़राब हो जाती है, इसमें दोनों है, रेनकोट में पैंट भी है और ऊपर का कवर भी है, मतलब तो फुल अच्छा रहता है, सेफ रहता है। और जब निकलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एयर चेक कर लो, फ्यूल चेक कर लो, पेट्रोल चेक कर लो, और इसके साथ अपना एक एक्स्ट्रा ये होता है ना जो इंजन ऑयल कैरी करो, कई बार क्या होता है कोई टूट फूट हो जाती है, कहीं से लीक हो जाता है, तो फिर यार कहीं ढूंढते फिरोगे, उससे बेटर है कि लेके चलो। मेरे टायर है ट्यूब, तो भाई मैं पंचर नहीं लगा सकता, जिसके ट्यूबलेस हैं वो साथ में अपने ट्यूबलेस का टायर का पंचर ज़रूर लेके चलो, पंचर किट आती है आराम से, और एक छोटा पंप है मेरे इस बैग में, तो उस पंचर से मैं मतलब दूसरों का लगा ही सकता हूँ, अपना ही लगा सकता हूँ जो मेरे साथ निकलता है। तो यही कुछ है सेटअप मेरी बाइक का, तो यही है मेरा राइडिंग सेटअप, मैं छोटा निकलूँ राइड पे, लंबी राइड पे निकलूँ, तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो चलो ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को, साइनिंग ऑफ, दिस इज आरएसपी, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब जाके नीचे जो लाल बटन है उसे दबा दबा के, नाक से दबाओ, मुंह से दबाओ, जीभ से दबाओ, हाथ से दबाओ, लेकिन ग्रे हो जाना चाहिए।